अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हमेशा से हम आपसे अपने मुल्क के पाकिस्तान के उन पर्सनैलिटी से, उन शख्सियात से मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में बहुत ज़्यादा नुमाया खिदमत सर अंजाम दी होती है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नेशनली और इंटरनेशनली वक़ार बहुत बुलंद किया होता है। पाकिस्तान की अगर हम रियल स्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने बहुत सारे थोड़े वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया है। जो भी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हमेशा कामयाबी की तरफ गामजन हुआ है और एक ज़मानत समझा जाता है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। आज इस सिलसिले में मुझे, मेरे पास लाहौर की एक शान, अगर मैं बात करूँ लाहौर के एक खूबसूरत तरीन इंसान मेरे दोस्तों में से एक हैं और नाम से वाकिफ हो गए, जब डेवलपमेंट की और डेवलपर की बात होगी तो एक ही नाम हमारे सामने आता है लाहौर की शान के हवाले से, और वो है मियां अली मोइन साहब, जो कि सीईओ हैं ग्रैंड इनक्लेव और ग्रैंड सिटी गुजरात के। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन्होंने ओवरसीज़ के लिए इसमें क्या रखा है ऐसा कि ओवरसीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सक्सेसफुल उनके प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स वो भी रहे हैं। आज के ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो कि प्रोग्राम है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कहानी मियां साहब की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। वेलकम टू माई शो ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में आप हमारे गेस्ट हैं, पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़। और मियाँ साहब बताइए, थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे, मैंने जैसे कहा एक लाहौरी मुंडा मेरे सामने बैठे हैं जो कि बहुत मकबूल भी है हर जगह पर, और आपकी खूबसूरती के तो चर्चे है ही हैं। प्यार है आपका जी, थैंक यू। लेकिन प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करेंगे, नो डाउट आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए। मियाँ साहब पहले ये बताइए, ये सफ़र स्टार्ट कहाँ से होता है? लोग जानना चाहेंगे अली मोइन है क्या एक्चुअल में, और बचपन कैसा गुजरा, कहाँ से गुजरा, और यहाँ तक ये सारा थोड़ा सा प्रीवियस माजी के जुड़ों में मैं जाना चाहूँगा, प्लीज़। आपको बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। बेसिकली जी, आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन लाहौर, सारी उम्र लाहौर में रहे, GOR1 में रहे। जो फादर मेरे मोइनुद्दीन साहब हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, शान बनस्पति घी मिल, शायद आपने भी उनका घी खा के सब वेट पुट ऑन किया हो, वैसे तो बहुत स्मार्ट हैं आप। थैंक यू। स्कूलिंग लाहौर से हुई, इधर LSE से MBA किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने लंदन से शॉर्ट कोर्सेज किए, उसके बाद मैं अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया। पहले थोड़ी देर टेक्सटाइल्स में रहे, फिर कंस्ट्रक्शन में, फिर 2010 से 11 से हम लैंड डेवलपमेंट में आ गए। हमने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कंसीव किया जिसका नाम ग्रैंड सिटी खारियाँ है। उसमें हमारे MD सलमान गिलानी साहब, चेयरमैन उनके भाई रेहान गिलानी साहब, मैं ग्रुप डायरेक्टर हूँ उधर, ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये प्रोजेक्ट को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल दी, नो डाउट। अब ये तकरीबन इसकी जो एज हो गई है प्रोजेक्ट की, 7-8 साल हो गई है। प्राइसेस जब हमने स्टार्ट की थी तब की डबल हो गई हैं। इट्स लाइक अ मिनी DHA इन गुजरात। जब गुजरात सिटी में हम गए, हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बहुत बड़ी बेल्ट है जो मीरपुर से लेके गुजरांवाला तक है। गुजरात में एक भी, नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट जो कि इस लेवल का था जहाँ पर अच्छी तरह रहा, ओवरसीज़ के जी रहा जा सके। उधर एक जो अच्छा सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है वो खारियाँ कैंट है। कैंट का रेट आज भी तकरीबन 3-4 करोड़ पे किनाल है, आज से 5 साल पहले को 2.5 करोड़ पे किनाल था। हमने ये कहा कि ये तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्यों ना एक
बेहतर लोगों की लिविंग के लिए एक आप उनको बेहतर एनवायरनमेंट दें और अच्छा काम करके इकोनॉमिकल जी। फिर हमने इसको लॉन्च किया, ये बेसिकली एक सिक प्रोजेक्ट था 300 कैनाल्स का, वो लिया उसको लॉन्च किया, उसको मिनी DHA की तरह आज बना दिया और इसके जो रेट्स हैं अभी भी बहुत मुनासिब हैं। हमारा जो किनाल का रेट है वो 70 लाख रुपीज़ है, 5 मरले का रेट अराउंड 25 to 30 लाख है, डिपेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स में जी इंस्टॉलमेंट्स में डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। फेज़ वन इज़ ऑल कैश, फेज़ टू जहाँ हमारी एक्सपेंशन हो रही है वो इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें सारे जो आप लोगों को फीचर्स मिलते हैं वो DHA में, इट इज़ अ गेटेड कम्युनिटी हमारा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट, 24/7 सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, वाइड रोड्स, बड़े बड़े पार्क्स हैं। इसमें हमारी जो वेस्टेज आई है वो 60% है, इमेजिन करें लैंड की 60%। हालांकि डेवलपर की तो इससे बड़ी जान जाती जी है, जान छुड़ाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ताकि हमारा एक नाम बने, फिर जहाँ पर भी जाएँ। उसके बाद मैं जिस प्रोजेक्ट का CEO हूँ, ग्रैंड इंक्लेव, इसके सामने लाया हूँ, उधर हमने को 3000 कैनाल्स एक्वायर कर ली हुई है और उसकी जो वेस्टेज मैं कल ही रिपोर्ट में पढ़ा था 62% आ रही है, विच इज़ वेरी हायर। और मेरे आर्किटेक्ट्स ने कहा, मैंने कहा जी गो हैड, मेरे आर्किटेक्ट्स ने कहा, प्लानर्स ने कहा कि सर ये तो बहुत हाई है, मैंने कहा नो गो हैड। हमने आवाम को एक ऐसी रहायशी मंसूबा देना है, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल और बहुत मुनासिब पैसों में। हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्क्वीज हम करते हैं और वो हम अपना वी आर मोर फोकसिंग ऑन ब्रांडिंग, के हमारी ब्रांडिंग हो जाए, उनको पता चले कि इस जहाँ जहाँ हमारा प्रोजेक्ट नया आएगा कि इधर प्लॉट ले लें। प्लस उसमें ये है कि जो भी प्लॉट लेता है उसकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे साथ इन्वेस्ट करता है। पर ईयर अगर आप बात करें तो कोई 20 to 30-35% हमारी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है। और इसमें जो फीचर्स हैं हम लाए हैं, मस्जिद है बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े पार्क्स हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और तो गर्ल स्क्वायर है, डांसिंग फाउंटेन अभी हमने ऑर्डर किया है जो कि कराची पहुंच गया हुआ है चाइना से, ड्राई फाउंटेन्स ऑर्डर किए हैं, एंड देर आर सो मेनी अदर फीचर्स। रूट स्कूल से हमने कोलेबरेशन कर ली है, हॉस्पिटल्स आ गए हमारे पास, चेन्स भी लेकर आ रहे हैं। वी हैव गॉट सो मेनी ब्रांड्स जिनका मैं नाम लूँ, बहुत मशहूर मशहूर ब्रांड हमारे साथ आ चुके हुए हैं। बैंक अलबरका बैंक की ब्रांच खुल गई हुई है हमारे प्रोजेक्ट में। तो आवाम के लिए हम तो बेसिकली जो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी बहुत लिमिटेड इनकम है, उनके लिए भी हमने कुछ करके दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये सब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए लाहौरी, और यानी कि यू आल्सो लाहौरी, तो ये मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट लाहौर वालों के लिए क्यों नहीं बनाया गया, लाहौर में क्यों नहीं? ये गुजरात जैसे शहर में नो डाउट, यानी कि पंजाब का एक बहुत बड़ा और इसकी पूरी जैसे आपने बताया पूरी बेल्ट बाहर गई है, उन लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो ये लाहौर वालों के लिए क्यों नहीं किया गया लाहौर में? जब हमने मार्केट स्टडी की कि कहाँ प्रोजेक्ट करना चाहिए, लाहौर में उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो गए हुए थे, फिर हमने देखा छोटी सिटीज़ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वायबिलिटी हमारे लिए फॉर अ बिजनेस मॉडल इट इज़ वेरी वायबल, तो दैट्स वाई हम फिर छोटी सिटीज़ में गए। अब वी आर कमिंग अप इनटू बिग सिटीज़, नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह छोटा सा एक मरी में प्रोजेक्ट आ रहा है, फैसलाबाद में आ रहा है, आरिफ वाला हमने लॉन्च कर दिया है, ग्रैंड सिटी, यानी साइड एरियाज को आपने ज़्यादा फोकस किया, आरिफ वाला भी अभी लॉन्च्ड और वो तो 40% सोल्ड भी हो गया हुआ है, और हम और भी शहरों में, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हमारा अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद में बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। गुड। और जहाँ तक लाहौर की बात है कि लाहौर में हमने ज़मीनें देख रहे हैं, लाहौर में इंशाल्लाह जब हमें कोई सूटेबल लैंड मिली तो लाहौर में भी एक हम बड़ा और अच्छा काम करके बेटर देन DHA इंशाल्लाह दिखाएंगे सब। हमारी गवर्नमेंट आजकल यानी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है आपके सेक्टर को, जी नो डाउट उनकी कोशिश है खान साहब की कि इस सेक्टर को खड़ा किया जाए, क्योंकि इससे वाबस्ता बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, और भी आई थिंक 17 इंडस्ट्रीज़ है जो इससे रिलेटेड है। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को सपोर्ट करना और फिर आप लोगों का डिलीवर करना जिस तरह से खान साहब चाहते हैं उस विज़न में आम बंदे तक मेरा नहीं ख्याल वहाँ वैसी रसाई होगी, क्योंकि अभी भी जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं नो डाउट वो एज़ कम्पेयर टू DHA वो वेरी इकोनॉमिकल है, लेकिन उसमें आप अगर आम इंसान की अगर बात करें तो ये सब मेरा नहीं ख्याल वो प्रोजेक्ट उसके लिए भी होगा। आम इंसान की मैं बात करूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मिटोकर कह सकते हैं हम सोसाइटी जी, हमने पाकिस्तान का पहला विन किया है नए पाकिस्तान के घर बनाने इसी प्रोजेक्ट में जी, इसी ग्रैंड सिटी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे अवार्ड हुआ था, उसमें हमने 300 घर बनाने थे या हैं आप कह लें, तो वो एक बेसिकली आम इंसान के लिए थे। उसमें फिर
अनफॉर्चुनेटली कुछ बैंकों की हिचेस आ गई जो लॉट ऑफ हर्डल्स है उसमें, जो प्रोमिसज किए हुए थे नया पाकिस्तान अथॉरिटी ने एंड गवर्नमेंट ने, वो उस तरह नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे. बट आम इंसान के लिए वो प्रोजेक्ट था जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल था. तो आप समझते हैं कि वो होगा अभी कि उसको रुक गया, स्टॉप हो गया वो सारी? नहीं, स्टॉप तो नहीं हुआ, हमारी नेगोशिएशंस चल रही है. बहुत सारे डेवलपर भागे हुए जी रेट्स के ऊपर. जी रेट्स पे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ आज से हमें तकरीबन साल पहले, उस वक्त और रेट्स थे. फिर उन्होंने कहा अभी आप वेट करें, अभी ना करें. अब फिर उनका लेटर आया कि आप स्टार्ट करें. तो ऑब्वियसली साल पहले के रेट्स और आज के रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो वी हैव आवर टीम इज़ इन टच विद देयर टीम एंड इंशाल्लाह आई सी अ पॉजिटिव होप इन दैट. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता हमारे साथ अली मोइन साहब हैं, लाहौर की शान, जैसे मैंने पहले बताया आपको. और इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. आपने सही कहा जी, वो शी वॉज द यंगेस्ट एम एन ए, पार्लियामानी सेक्रेटरी, मिनिस्टर भी रही हैं. आजकल वो शी इज़ एडवाइजर टू द गवर्नर जी, गवर्नर पंजाब के साथ काम कर रही हैं. वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में खुश आमदेद, पावर्ड बाई मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज. जी मियाँ साहब थोड़ा सा अब आपके इजवाजी ज़िंदगी के ऊपर बात कर लें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप बहुत मकबूल है हर जगह पर, और आपकी एक्टिविटीज़ जो है माशाल्लाह मैं तो देखता रहता हूँ, आपके चाहने वालों में से हूँ. मियाँ साहब, भाभी की अगर बात करें, बहुत कम लोग जानते हैं ये. मैं चाहूँगा कि आपका ये लोग इस प्रोग्राम के तवसत से जानें कि हमारी भाभी जो हैं, जो कि मिसेज हैं आपकी, वो एक यंग बहुत ज़्यादा यंगेस्ट MNA रही हैं और वो मिनिस्टर भी रही हैं, और आजकल उनके पास बहुत एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो क्या है थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं, और वो क्या अभी क्या कर रही हैं, आगे उनके क्या प्लान्स हैं प्लीज़. एज इट इज सेड के बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो दैट्स अ राइट एग्जांपल. शी इज़ वेरी सपोर्टिव इन माय वर्क. और मेरी बहुत ज़्यादा ऑफिस में लेट सेटिंग होती हैं, बहुत दफ़ा रात के 10-10 बज जाते हैं, और शी नेवर ग्रम्बल्स के जी आप किधर हैं. वो बिल्कुल यकीन है आप पर. जी जी बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आपने सही कहा जी, वो शी वॉज द यंगेस्ट MNA, पार्लियामानी सेक्रेटरी, मिनिस्टर भी रही हैं. आजकल वो शी इज़ एडवाइजर टू द गवर्नर जी, गवर्नर पंजाब के साथ काम कर रही हैं. लॉ एंड ऑर्डर पर है, वुमेन एंड चिल्ड्रन पर है जी. अच्छा, वो उतनी सोशल नहीं है, हालांकि ये जिम्मेदारी उनके पास है ज़्यादा जितने आप सोशल है. क्या आपने जिम्मेदारी आपस में एक्सचेंज की हुई है कि जी, भी उनका काम भी आप PR कर रहे हैं? लाहौर की जो सोशलाइजिंग है, शादियाँ, गमियाँ, खुशियाँ, वो ज़्यादा मैं करता हूँ. वो शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम विद हर चिल्ड्रन. ओके, जब वो अपने ऑफिस से आती हैं तो फिर उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो टाइम बच्चों को दिया जाए. और जहाँ जिस शादी के 5 कार्ड आए हुए हैं तो एक पे चली जाएँ. और मेरा ये होता है कि हमारे सारे करीबी दोस्त यार, तो मेरा दिल होता है कि 2 या 3 पे जाएं. तो दैट्स हाउ यू आई बिकम मोर सोशल. अच्छा, गवर्नर साहब की तरफ से कौन सी जिम्मेदारी उनको दी गई है जो उसको वो एग्जीक्यूट कर रही हैं, स्पेशली डेजिग्नेशन वाइज? तो मुझे पता चल गया किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं. कोई वो जी बहुत ज़्यादा बच्चों पर काम कर रही हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन इशूज़ पर कर रही हैं, जो बच्चों पर हरासमेंट्स होती हैं उन पर कर रही हैं, प्लस लॉ एंड ऑर्डर भी देखती हैं जी. लॉ एंड ऑर्डर देखती. अच्छा, मैं ये सब पेरेंट्स की बात करें, आपके पेरेंट्स बहुत लवली पेरेंट्स हैं, आपके साथ होते हैं माशाल्लाह, थोड़ा सा उनके साथ बताइए कैसा टाइम गुजरता है जब आप फ्री होते हैं. मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मदर से भी करता हूँ, और हर रात जब मैं घर जाता हूँ मेरी ख्वाहिश होती है कि अबू अम्मी के साथ बैठूँ. वो लेट टाइम जागते रहते हैं, टाइम स्पेंड करता हूँ. और एज यूजुअल मैं डैड के रोज़ रात पाँव दबाता हूँ, अम्मी तो कमी दबाती हैं, और पाँव दबा के उनकी दवाएं लेके सोता हूँ. और सुबह का ब्रेकफास्ट मैं कोशिश होती है कि मैं डैड के साथ करूँ. वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. और अल्लाह ताला इन्हीं लोगों को यानी अजर देते हैं जो पेरेंट्स के अवॉइडेंट होते हैं. अली भाई, ये बताइएगा मुझे, CPAC के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है वो, नो डाउट. आप लोग भी उस तरफ देखते होंगे, क्योंकि बिकॉज मुझे नहीं आइडिया कि आपका फ्यूचर में कोई प्लान है ग्वादर में, क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उधर. तो आप CPAC को किस तरह से देखते हैं, रिलेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, और होल यानी कि पाकिस्तान के लिए वो किस तरह से देखते हैं आप? जहाँ तक CPAC का ताल्लुक है जी, ये तो एक पाकिस्तान के लिए इट इज़ अ गेम चेंजर. इसमें चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और ऑब्वियसली उसका जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा तो वो पाकिस्तानी इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव होगा. लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाइना की जो ट्रेड है वो पाकिस्तान से गुजरेगी. ऑब्वियसली जब भी कोई ट्रेड होती है हैवी किस्म की, टूरिस्ट आता है, जिसकी आप ताज़ा मिसाल दुबई की ले लें, तो इकॉनमी इज़ बाउंड टू फ्लरिश.
होटल इंडस्ट्री चलती है, आपके जो एलाइड रेस्टोरेंट्स चलते हैं, एयरलाइंस का बिजनेस होता है, एयरपोर्ट्स फ्लरिश करते हैं, शॉपिंग मॉल्स पे लोग जाते हैं, तो ज़रूर सी पैक का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। जी बेशक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी इकॉनमी पर। लेकिन अभी तक तो वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है सी पैक का। इसमें जो चीज़ें हैं, देखें जी, इसमें तो इंटरनेशनल ताकतें हैं कि कोई मुल्क चाहते हैं ये बने, उनके अपने मुफाद में बने, कोई मुल्क चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले मुल्क चाहते हैं कि ये ना बने बने सी पैक, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाती है ये चीज़, तो ऐसे तो फिर होता ही है। नहीं, सी पैक के होने से आपकी जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है इसको आप कहाँ? अच्छा, रियल स्टेट इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी, बिकॉज सी पैक की जो रोड बनेगी वो बनेगी जी ग्वादर से लेकर आगे तक पेशावर तक एंड ऑल। तो जहाँ जहाँ बड़ी रोड्स आती हैं, अंडरस्टूड बात है, वहाँ आबादी आती है। जब आबादी आती है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी होनी है, वहाँ घर रोज़गार भी होगा, घर भी बनेंगे, प्लॉट्स भी सेल होंगे, आबादी एक्सपेंड करती जाएगी, और ये सारा कुछ तब मुमकिन है जब रोड नेटवर्क बने। तो अब मेरा प्लान है ग्वादर जाने का इन द कमिंग वीक, और मैं ग्वादर को स्टडी करने जा रहा हूँ, और ग्वादर की मैंने डायनामिक्स गूगल की हैं, तो वहाँ बहुत खूबसूरत रोड बन गई है। पहले मुझे बताया जाता था कि जब लोग ग्वादर से कराची आते थे तो बाद दफ़ा दो दो दिन लग जाते थे, आज से 30 साल पहले कि सेफ भी नहीं था वो जी, नॉट एट ऑल, और अब इट इज़ एज सेफ एज गोइंग टू मॉल रोड इन लाहौर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा, आप लोगों के जितने प्रोजेक्ट आपने एग्जीक्यूट किए, वो थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि जो आपकी एग्जीक्यूशन हो चुकी हुई है। हमारी जी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड सिटी खारिया में देर आर मोर देन 300 फैमिलीज विच आर ऑलरेडी रिजाइडिंग फेज़ वन में रह रही हैं। उसमें ग्रिड हमने अप्रूव करा लिया हुआ है वापडा से, फीडर आ चुका हुआ है, वाटर टैंक इज़ ऑलरेडी देयर, रोड नेटवर्क इज़ देयर, सिक्योरिटी इज़ देयर, CCTV कैमराज आर देयर, पूरा हम सेक्टर ए इट इज़ फुली सोल्ड, वहाँ तो प्लॉट ही नहीं मिलता। और ये हमारा पूरा अब हम फेज़ टू जो है उसकी डेवलपमेंट डे एंड नाइट कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में कंप्लीट। तो सर उसमें वाटर के लिए कुछ कर रहे हैं, स्पेशली वाटर प्लांट्स वगैरह के कोई? जी उसमें बिल्कुल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल तमाम वाले हैं। 1 साल पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमने, बल्कि 1.5 साल पहले लगाया था अपनी सोसाइटी में, जिसका इनॉग्रेशन भी मेरी वाइफ ने किया था। गुड, ये तो अच्छा है। अली साहब कुछ और बताइए पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासत है उस हवाले से। मौजूदा जी ये इमरान खान, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खान साहब की और सेटिस्फाई हैं, सहमत हैं? मैं ज़्यादा आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, और इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता, बट मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी जो एक आम गरीब आदमी है जिसका कोई भी नहीं अल्लाह के अलावा, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। वो रिलीफ कैसे मिलेगा कि उसके लिए महंगाई कम होनी चाहिए। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर सच पीपल। एक बंदा है जिसको दवाई के लिए पैसे नहीं होते, जिसको अपने 3 बग की रोटी नहीं मिल सकती, मैं तो उस आदमी की आवाज़ हूँ। गुड, कि उस आदमी जो एक गरीब, और वो देखता है कि इतनी एफ्लुएंट क्लास उसके इर्द गिर्द रह रही है, तो ये बेसिकली दिस इज़ वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। ये बहुत अच्छी बात की जिसमें, और मैं एक चीज़ कहूँ, हम दोस्तों में बैठते हैं, वो कहते हैं बहुत तरक्की हो रही है, बिल्कुल बेशक तरक्की हो रही है, लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, 6-6 महीने गाड़ी नहीं मिलती, बट लेट मी टेल यू दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। पाकिस्तान की जो आवाम है वो 22 करोड़ से बढ़ चुकी हुई है, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये दे आर इन्जॉइंग ऑल द लग्जरीज। आप देखें 15 करोड़ से कम आवाम बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, मैं उन 15 करोड़ आवाम की आवाज़ हूँ। थैंक यू जी, मुझे लगता है भाभी के साथ आपके डेजिग्नेशन को एक्सचेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा अली भाई ये बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन है ये कि आप लोग या आपका अदारा ग्रुप CSR के हवाले से क्या कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशन सर्विस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज यू सेड, कि लोग एक दफ़ा को प्लॉट ले लेते हैं, उनको किसी भी किस्म का या को घर बना लेते हैं, ये बहुत बड़ा इशू है जी। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो एक दफ़ा चीज़ बेचती हैं, वो फिर उसको ऑनर नहीं करती उनकी को प्रॉब्लम्स को। तो एज़ आई हैव जस्ट सेड कि हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ब्रांड बन चुके हुए हैं अल्लाह के फजल से, और जो ब्रांड होता है वो उसकी कस्टमर सर्विस बहुत मजबूत होती है। तो हमारे पास 7 वाली बिल्डिंग में पूरा फ्लोर है जो कि कस्टमर सर्विस रिलेशन का है, उसमें 24/7 हेल्पलाइन है जो कि क्वेरीज नोट अपने लोग कराते हैं, और उसका सारा डाटा डायरेक्टर्स के पास आता है, जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम
खुद रिजॉल्व करते हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में अली मोइन साहब मेरे साथ है। इस टाइम हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो उसकी पास रिकॉर्ड और उनके NOC ज़रूर चेक कर लें कि वो कोई बोगस तो नहीं डेवलप। जी वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में पावर्ड बाय मॉडल स्टेल, और मेरे साथ गेस्ट हैं आज अली मोइन साहब, लाहौर की शान। मियाँ साहब, एक बात क्वेश्चन दिल की आवाज़ है, वो ये बताइए, आप ख़वातीन में भी उतने मकबूल हैं, नौजवानों में भी उतने मकबूल हैं, हर गैदरिंग में पाए जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ किस तरह की है और आपकी यानी कि जो हॉबीज़ हैं वो क्या है? ट्रैवलिंग में तो मुझे पता है आपकी, और पार्टीज़ में जाना वो भी मुझे हर जगह आप नज़र माशाल्लाह आते हैं, थोड़ा सा डिटेल के साथ बताइए। कि कोई लोग अपने आप स्टार हैं तो लोग अपने स्टार्स के मतलब ना जानना और सुनना चाहते हैं। देखिए जी, जहाँ तक सोशल लाइफ का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लाइक टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आई लाइक टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल। मेरे वालदैन ने मुझे ये सिखाया है कि बेटा अपना अखलाक, हमारे नबी ने भी, उनका भी यही हुक्म है, हमारे रब का भी यही हुक्म है, और मेरे वालदैन की ट्रेनिंग है कि ख़ासकर मेरी वालदा कि बेटा अपना अखलाक बहुत अच्छा रखो, हर एक से मिलो विद अ स्माइल। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये मेरे वालदैन आपके ब्लड में और तरबियत मेरे ब्लड में और मेरी तरबियत में है कि हर एक से प्यार से मिलें। जब आप किसी को हकीर ना समझें और सबको आप प्यार से मिलें, इक्वल लेवल पे मिलें, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ रिस्पेक्ट देते हैं। और जहाँ तक ट्रैवलिंग का ताल्लुक है, आई लव टू ट्रैवल जी, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू कंट्रीज़, पाकिस्तान विद इन द कंट्री एज वेल एंड इंटरनेशनल एज वेल। कोविड में थोड़ा कम रहा बट अब फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। और जहाँ आपने पूछा कि जी हॉबीज़, माई हॉबी इज़ स्विमिंग जी, वेर एवर आई एम इन द वर्ल्ड आई लव टू बी इन द पूल। डेली मैं को 45 मिनट टू 1 आवर स्विम करता हूँ जी, बिकॉज आई एम अ लाहौरी, आई एम अ कश्मीरी, आई लव टू ईट, सो वी नीड टू बर्न दैट कैलरीज ऑल्सो। मेरे साहब, अभी आप दुबई एक्सपो में थे जी, एक्सपो 2020 में, पाकिस्तान के स्टॉल पर भी विजिट किया होगा, मैं भी था लास्ट मंथ में, तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन, जो मैसेज जाना चाहिए हमारा इंटरनेशनली, आप सेटिस्फाई हो, आपको लगा कि सही वो हो रहा था? जी, एक्सपो में माय वाइफ अनादा एहसान भट्ट, शी वाज द चीफ गेस्ट, इधर गवर्नमेंट ने उनको चीफ गेस्ट बनाया था और दुबई गवर्नमेंट ने भी उसको बड़ा हमें फैसिलिटेट किया और बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। एक्सपो का मैंने और भी स्टॉल्स विजिट किए, बट आई मस्ट से कि जी पाकिस्तान हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, बहुत प्यारा उन्होंने स्टॉल पवेलियन जिसको कहते हैं पवेलियन बनाया है, और उसमें पाकिस्तान का ट्रू कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा है, सकाफत पाकिस्तान जी सही रिप्रेजेंट हो रही है, और उसका फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो आई मस्ट सलूट टू द पीपल, टू द मिनिस्ट्री एंड टू देयर टीम, जिन्होंने वो इतना शानदार नो डाउट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की। मियाँ साहब, कुछ स्पेशल मैसेज एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहिए, ओवरसीज़ कम्युनिटी को देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है देखा ही ओवरसीज़ में ज़्यादा जाता है, तो आप कोई मैसेज अगर आप अपने वर्ड्स अदा करें दो ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए, ये है कि ट्रस्ट इन पाकिस्तान, आप लोग जो हैं हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया हैं, हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान से, आप इस प्यारे मुल्क से दूर हैं, रोज़गार उधर कमाते हैं और उसका कुछ हिस्सा इधर भेजते हैं। मैं ये कहूँगा जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जो भी किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ करें, तो उसकी पास रिकॉर्ड और उनके NOC ज़रूर चेक कर लें कि वो कोई बोगस तो नहीं डेवलपर है, उनके गवर्नमेंट मुतलका TMO या LDA मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक LDA FDA CDA, उन्होंने उनको NOC दिया हुआ है। प्लस उनका ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि उनके पास लैंड कितनी है, ओवरसेलिंग तो नहीं हुई, और अगर कोई प्लॉट ले रहे हैं तो कोशिश करें पोजेशन वाला ले लिया करें। ये तो सबसे अच्छे हो गए। शुक्रिया अली भाई, आपका बहुत बहुत, इतने कीमती टाइम में से आपने मुझे टाइम दिया। आप गेस्ट थे आज मॉडल स्टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री का ग्रुप है, जिन्होंने स्पेशल आपके लिए गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे सफ़र में हमारे मेहमान थे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। और मॉडल स्टील हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत इनका जो काम है वो मायार का है, पायदार है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर प्लीज एट योर शो। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है?
मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।